केंद्र सरकार ने दिवाली तो पहला कर्मचारियों नूं वड्डी खुशखबरी दिती है। दरअसल सरकार वल्लों CGS अते ECHS दी सेवावां दा दायरा वधा दिता गया है। हुण केंद्रीय कर्मचारी 40 प्राइवेट हस्पतालां, नर्सिंग होमां अते डायग्नोस्टिक सेंटरां विच अपना इलाज करवा सकते ने। इस दे नाल ही उन्हां 40 हस्पतालां दी लिस्ट भी जारी कर दिती गई है। आखिर इस विच किहड़े किहड़े हस्पताल शामिल ने, यह जानने लई एक खबर जरूर देखो। जानकारी लई दस दिए कि सरकार ने अपनी सूची विच 40 हस्पतालों नूं शामिल किया है। CGS अते ECHS दे अधीन आने वाले कर्मचारियों लई इन्हां सारे हस्पतालों की सूची भी इक्को जिही होवेगी। नाल ही सरकार इलाज का खर्चा बाद विच अदा करेगी। ये फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की हाल ही हुई मीटिंग विच लिया गया है। ECHS दे मैनेजिंग डायरैक्टर नूं इस पैनल विच शामिल किए गए नवें हस्पतालां दी सूची बारे रस्मी आदेश प्राप्त होए ने। यह प्रक्रिया रक्ष मंत्रालय दे दिशा निर्देशों तहत की गई है, जिस अनुसार ECHS लाभपात्रियों नूं हस्पताल अते इलाज सेवावां प्रदान कीतियां जाणगियां। हुण ECHS दी गिणती विच 40 प्राइवेट हस्पताल, नर्सिंग होम अते डायग्नोस्टिक सेंटरां नूं शामिल किया गया है। सारे सूचीबद्ध हस्पतालों अते डायग्नोस्टिक सेंटरां नूं सेवा दरां समेत रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों अते शर्तां दी पालना करनी पवेगी। इलाज दी रेट सूची कमेटी द्वारा प्रवानित दरां अनुसार होवेगी। CGHS दीआं दरां नाल भी एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि ECHS दे अधीन आउंदे कर्मचारी भी उसे दर ते इलाज करवा सकणगे जिस दर ते CGHS कर्मचारियों का प्राइवेट हस्पतालों विच इलाज किया जाता है। इन्हां 40 हस्पतालों की सूची भी CGHS विच शामिल की गई है। इस तों इलावा जिहड़े हस्पताल पहला ही CGHS नाल सूचीबद्ध ने, उन्हां नूं ECHS नाल इकरारनामे ते हस्ताक्षर करन समय अपनी CGHS स्थिति का प्रमाणीकरण प्रदान करना होगा। CGHS सूचीबद्ध हस्पतालों की स्थिति उदों तक वैध रहेगी जदों तक उन्होंने CGHS मानता एक्टिव है और उन्होंने समझौते भी निभाया जा सकता है। NABH मानता प्राप्त सेवावां भी ECH नाल सूचीबद्ध किया जाएगा जो उन्होंने NABH प्रमाणीकरण की म्याद लई वैध रहनगियां। यह कदम ECHS मैंबरां नूं होर सहूलतां अते बेहतर सेवावां प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम है। CGHS अते ECHS दोवें भारत सरकार दीआं सहज स्कीमां ने, पर यह वख-वख समूहां दी सेवा करदियां ने। CGHS केंद्र सरकार दे कर्मचारियों अते उन्हां दे परिवारां लई है, जदों कि ECHS सेवा मुक्त फौजी कर्मचारियों अते उन्हां दे आश्रितां लई है।